कहाँ कहाँ से फांस लाता है नई नई रंडियों को लौंडा का नाती। नमस्ते। भाग यहाँ से भूसड़ी की। थैंक यू। साले गंगा में पाप भी धोएंगे और पिछवाड़ा भी। अब आते हैं यहाँ पे रिमेनिंग, मतलब गेम के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं ना वो भी काफी बढ़िया है। स्काउट, चार्जबीज, अल्ट्रॉन एंड मवी, चारों प्लेयर बिल्कुल मजबूत। अपनी कहते हैं ना वाटर सिटी उतरते हैं, उसके बाद धीरे धीरे रुइंस का एरिया भी थोड़ा सा कंट्रोल में लेते हैं, बिकॉज लूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वाटर सिटी के अंदर फास्ट लूट नहीं होती। आपको पता है वहाँ पे पानी है तो वहाँ पे आप फटाफट नहीं कर सकते। ऑल्दो ये देखिए अलादीन का गेम से बाहर होना कन्फर्म हो चुका है। आ रहे नहीं वहीं पे अल्ट्रॉन को कर दिया नॉक M16 से। M16 का आजकल अपडेट के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन चल रही है। लोग वहीं पे दलजीत ने स्प्रे बोर्ड का जो नॉक था वो फिनिश कन्फर्म करा। सवितार अब बस आखिरी फर्स्ट एड के भरोसे उस तरफ कैंप करते हुए थोड़ा सा होल्ड करते हुए वहीं पे स्काउट ने जोकर पे पूरा पुशन किया। जोकर को इंस्टेंट और फिनिश डाल दिया यहाँ पर और बिल्कुल मौका नहीं दिया। और आसपास एक और पैर है, मन्या ने यहाँ पे एक नेट कुक करके फेंका स्काउट की तरफ। 420 कैन बी इन प्रॉब्लम, बट 420 लास्ट मौके पर वो रिज छोड़ा, नीचे कूदे और एक नई पोजीशन फिर से लेंगे। बट फिर से एक अच्छा नेट मन्या की तरफ से, क्या वो नेट फायदा कर पाएगा? अफसोस की बात वो नेट कनेक्ट नहीं होता, बट एक अच्छा खासा झटका तो यहाँ पर ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर को पड़ चुका है ऑलरेडी। एंड अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश। 420 सामने बैठे होंगे, मवी ने भी यहाँ पे नेट कुक कर रखा है। एमजे ने वहीं पे मैक्स काश को कर दिया नॉक। अभी तक जो फाइट चल रही थी टीम एनिमा फॉरएवर वर्सेस सेवन सीज, अब एक और टीम इस काफिले को ज्वाइन करेगी केतन। बट कैट यहाँ पे कैन मावी बी द मैन विद द गोल्डन हैंड लाइक ओल्डर डेज, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बिठाया जरूर हुआ मावी ने। दो विंडोज के थ्रू वहाँ पे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश, मन्या ने भी कोशिश करी बट कोई नॉक वहाँ पे देखने को मिला नहीं है। बट एक गैराज और स्क्वाड हाउस के बीच में भी एक शेक होता है, वहाँ भी जाके कोई एक प्लेयर को आप बिठा सकते हो एंड प्ले अराउंड करा सकते हो। बट फिलहाल अभी सवितार वहाँ पे ऑपोजिट साइड ऑफ द मैप पे दलजीत को नॉकडाउन कर देंगे, सो दिक्कतें वापस से नजर आ रही है वहाँ पे। बट अनुज ने एक गेम सेट एंड मैच करके बोला कि आपको यहां से निकाला जाएगा। सो सेवन सीज का खात्मा इस वाले मैच से हो चुका है, बट यहां वाली फाइट मां भी घुस चुके हैं। वहां पे जी के ओके वहां पे एक प्लेयर को फिनिश कर दिया, एक अच्छा फिनिश वहां पे दिया मन्या को, बट कवर फायर कोई भी ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर का भी देखने को मिल नहीं रहा। मावी प्रोन होके वापस से एक और प्लेयर को भी फिनिश कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मोहम्मद अली बनने की कोशिश मवी की तरफ से, उन्होंने पंचेज यूज करे और मन्या को भी गेम कंप्लीट किया। यहाँ पे अब अकेले जो प्लेयर बचे हैं रॉनी, ही इज ट्राइंग टू अवॉइड दिस फेट फॉर श्योर, बिकॉज उनको पता है कि अभी एलिमिनेट होने का कोई फायदा नहीं है। अभी मैं चाहूँ तो शायद से गुस्सा उतार सकता हूँ अपने टीममेट्स के जाने का, बट अगर मैं उस प्लान में फेल रह गया ब्यूटीफुल जॉर्ज पोल हिल जो उन्होंने बहुत देर से होल्ड करा था, बट एनजेक्स का स्क्वाड दे विल बी सो प्राउड आफ्टर दिस फाइव फिनिशेस एंड वो अब सर्कल के लिए बढ़ेंगे। क्रैट अब जोन के अंदर की फाइट तो टीम एक्सो ने पकड़ रखी है, क्या चिकन भी उनके हाथ लगेगा। यहाँ पे टीम एक्स की लड़ाई होती है, मवी को यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एलिमिनेट होते हैं बाहर निकल के, बट इसके साथ टीम एक्स पार्क भी बाहर होगी। आरी स्पोर्ट्स, मैंने बोला था ना कि आरी और यहाँ पर आरी ने एक तिगड़म बना रही थी, दे वर ट्राइंग टू रैप अप टीम एक्स पार्क और वही हुआ। यहाँ पर एक्स पार्क एलिमिनेट होती हुई जाती है और अब ये देखिए जो नया ओआर के आतंकी हम लोगों को नजर आ रहे हैं इस वाले मैच में, सिंस वो लोग हैं ग्रुप सी में, सो ऑरेंज रॉक का एक्शन आप लोगों की स्क्रीन के सामने। जली मीन वहां पे नॉकडाउन हो चुके हैं फाइनल बॉस के द्वारा आतंकी, ही जस्ट लुकिंग अराउंड कि वहां पे आसपास कोई प्लेयर ना हो। बट फिलहाल टीम एक्स पार्क एक प्लेयर के लॉस के साथ अपने आइजल को खो चुके हैं वेल बहुत ही ज्यादा जल्दी, बट जस्टिन की हेल्थ कम होती नजर आ रही है। बट क्या टीम एक्स पार्क के एक जस्टिन, और ये प्लेयर मैं बता दूं टॉप फ्रेगर पे सबसे ऊपर था 19 पॉइंट के साथ। ओपन में गाड़ी के अंदर बैठना वाज नॉट गुड डिसीजन, बिकॉज जिस तरीके से रवि ने एग्जीक्यूट किया इट वाज अ क्लीन स्प्रे, नॉक करा, फिनिश करा, गेम से बाहर निकाला। सो थोड़ा वीक मूवमेंट वही हुआ उन्होंने, जैसे ही मैंने सोचा था वैसे ही उन्होंने यहां पर मिनी मैप दिखा दिया। सर्कल के सेंटर में कोई नहीं है गाइस, यू नो द इंडियन टीम्स वो हमेशा सेंटर में जाते हुए देखते हैं, सेंटर में कोई नहीं है, एवरीवन इज स्कैर्ड, दे नो कि हार्ड कवर की वैल्यू कितनी है। इस वक्त रोटेट करना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं होगा और भी इमोशन के साथ खेलता हुआ, थोड़ा सा ग्रेजुअल शिफ्ट है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ। जितनी भी टीम जोन के अंदर थी और जितनी भी हार्ड कवर में थी उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। एनिग्मा के पास फिर भी अर्ली रोटेशन का फायदा होगा, बट एसजी दे आर आउट ऑफ ग्राउंड। वहीं पर टीएक्स की बात करें, अगर थोड़ा सा व्यू पर गएंगे वहां पर केमिन स्वागत करेगी, अगर बीच में गए देन वहां पर वॉकआउट और एसजी का वो शिकार बन जाएंगी। सेवन सीज पीछे से बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट साइड से अप्रोच कर रही है, सेल्स के प्लेयर वॉकआउट करते देखने वाले। लेकिन बात करेंगे टीम स्कैलर्स की, लुक एट देम, बहुत प्रेशर क्योंकि गमला अब अकेले बचे, गमला बॉय को कुछ ना कुछ बढ़िया करके देना पड़ेगा। वो मोलोटोव आएगा, निकलने की कोशिश करेंगे तो लेकिन कोई खास फायदा नहीं यहां पे उठा पाएंगे, और इसी के साथ टीएक्स की तरफ से उनको भी एलिमिनेट कर जाएगा। पूरी की पूरी टीम स्कैलर्स भी एलिमिनेट हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी टीम को।
ये पांचवा सर्कल चल रहा है, लूजों का डैमेज है बट इट स्टिल बी मैनेजेबल, लोग हील कर सकते हैं। बट अबरार का हेडशॉट आता है वहीं पे, 420 को खुले के अंदर किया नॉक, और आपको पता है अगर कोई खुले में नॉक होता है उसको बचाना इंस्टेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं पे क्रेजी चोल ने यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा नॉटीनेस दिखाई, उन्होंने यहाँ पे नॉक चुरा लिया, वहीं पर फिनिश चुरा लिया, अबरार ने वहीं पे फिनिश को खत्म करा और वाइपर ने वहीं पे सेवन सीज के प्रिंस को कर दिया नॉक अपनी यूएमपी से। मवी ने यहाँ पे स्मोक कर लेट्रॉन को रिवाइव देने की कोशिश करेंगे, 5 सेकंड और रिवाइव मिल जाएगा, उसके बाद हीलअप करके गेम के अंदर आगे बढ़ेंगे। मैं आसान नहीं कहूंगा इस चीज को बट अगर पुल ऑफ करेंगे फायदा हो सकता है, बिकॉज अभी भी जो टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट इज टीम कैमिन, 7 फिनिशेस निकाले लिए हैं, अब सर्वर के अंदर बचे हैं, किसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक्स पार्क के लिए सर्कल के अंदर घुसना वॉज इम्पॉसिबल, कार्लाइट्स के मरने के वजह से सर्कल के अंदर एंट्री काफी हद के अंदर पॉसिबल हो गई और अब वो कैपिटलाइज कर रहे हैं। सर्कल का ऑलमोस्ट 60% जोन केमिन के हिस्से के अंदर आता है जो कि मेजॉरिटी सर्कल का हिस्सा है। अगर उन्होंने वहां पे किसी भी तरीके से रिटायर्ड प्रोज एंड सेवन सीज को बाहर निकाल दिया देन ये मैडमैन और वहीं पे यूओपी यहां पे जो उनकी यूएस है बड़ी मुश्किल से खींचने की कोशिश करेंगे। अल्ट्रॉन ने वहीं पे डेस्ट्रो को कर दिया नॉक एंड डेस्ट्रो को मेरे साथ से यहाँ पे बचाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, ही इज क्वाइट इन ओपन गार्ड फोर्टिंग की वजह से अल्ट्रॉन हो चुके नॉक। मवी कुछ भी करके यहाँ पर होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिन कमिंग टू सेव द टीम और वहीं पर मवी को मार गिराया, टीम एक्सपा गेटिंग एलिमिनेटेड और काफी सारे फिनिशेस केमिन ने अपने हिस्से में ले लिया। डेस्ट्रो जगह सेम कर लो गाइस। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, इधर इधर फ्लेम डालो तुम लोग, कर दिया जल्दी। अयो बहुत बंदे ज्यादा लॉबी भी है ना तभी हो रहा है बराबर, कोई भी नहीं है चलो लूटो जा के डगा लूटने लायक है। ए मेरी बड़ी गाइस पुश करो ना उस पे, वॉच आउट, चलो तुझे राइट साइड पे चल 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 मेरे बारे में चल ले चल एक गोली लगी बस अटन काफी लो था वो वाला तेरे पास था तब रुक रुक मेरे 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 से मार दे चल गाइस जल्दी आ जाओ लास्ट बंदा है माई बाजी पे जरूर जरूर मैं फिर जरूर तो मारा तो मैं मार देता फुल एडिया थे तेरा वन एचपी लिटरली वन एचपी पुश कर रहा हूं मार दीजिए लेजेंड वन एचपी है ऊपर चढ़ेगा फर्स्ट फ्लोर पे मैं राउंड चल रीसेट 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 दो तीन बंदे ऊपर ही हैं दो तीन बंदे हैं हाँ पूरे रुको यार काम कर मैं यहां से नॉक निकालते वॉच आउट राइट से नॉक निकालो राइट से देखेंगे तुम्हें नॉक 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 बढ़िया चलो डाल रहा हूं मैं डालो हमारी तरफ से डालना हमारी तरफ से डालना जल्दी करो हमारी तरफ से हमारे हैं बस नॉक दे नहीं पा रहे तो खाना है नॉक एक बढ़िया आराम से तो ऐसे कहते पीछे रहे और एक नॉक लास्ट से उसके हेड उसके हेड नाइस होल्ड होल्ड हेड चलो मेरे को अरे मैं मार रहा हूँ सभी मालूम नहीं हो रहा मेरे को अरे नहीं पता पड़ता ना ये चुतिया आप लाए हैं गेम चुतिया जल्दी मारो इसके और बन जाते ऊपर कोई है नहीं जानते इसके बंदे जरूर इस पे होंगे रेंज लो लेफ्ट वाली इधर वाली इधर वाली रेंज मैं जा रहा हूं हिल हिल चलते रहो ना इधर वाली ले लो हिल पकड़ लिया करो ये वाली ले लो ये आगे बंदा 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 लगा देना उसपे लगा दो लगा चलो चलो मारना का उसको मेरी गाड़ी फोड़ रहा है लगा रहे हम आगे पास में सीधा चढ़ाया करो ना क्यों डर गए गांड बट्टी में कौन गया राइट मैं थोड़ा वैसे ले रहा हूं ना मैं भी मार पाऊं ये रहा सामने हो रेड मत खाना लोए नॉक नॉक दिया मैं भी आ गया गाड़ी का पीछे वाला टायर फोड़ दिया एक ही था इधर बड़ी कौन जा रहा है दूसरे का नहीं पता नहीं पता कहां पे बच गया बच गया घर में 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 सब कुछ कर रहा हूं मैं एक ही है ले लो मेरे पे एक ही है ले लो ठीक है मेरे पे नो स्मोक है ठीक है
आराम से खेलना बहुत बंदे मरेंगे तो मैन के जो 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 मैन के कमरे में बैठेंगे ना वो मत चलो बनत पियो मिल गया किल घर वालों को मारो घर को मारो घर को मारो ओके ओके गाड़ी फटी घर वाला आ रहा है लेफ्ट चलो यहां तक चलो लेफ्ट तक चलो कुछ करो पैदल लेफ्ट वाले नॉक क्यों मैं नॉक क्यों मैं गाड़ियों के पीछे रेव हो रहे हैं ओपन में राइट राइट रेव दो मार के रेव दो शांति से खेलो नहीं है लेफ्ट पास में देख ले दो बंदे थे वैसे उनपे जोन नहीं है तो तुम लोग आराम से वेट करके मार दो ना ठीक है चलो शायद बहुत कॉल देता है इतनी जरूरत नहीं है अरे बस बोल रहा ड्रॉप के पीछे कभी बंदा है ठीक है बस आराम से तूने एक बार दो एक दो बार बोल दिया ना ड्रॉप के बीच में मत बोल रहे तो फिर उससे कोई मरता तो वो